नमस्कार मित्रों, ये वीडियो एक योगा के बारे में है जिसकी सहायता से आप आपके दिमाग में अचानक कोई जकड़न सी आ जाए, कोई स्ट्रेस वाली एक सिचुएशन आ जाए, एंजाइटी वाली सिचुएशन आ जाए, कुछ द्वंद्व हो जीवन में और उस वजह से अपन कोई विचार में भयंकर रूप से अटक गए हैं और हमारा दिमाग यहाँ से खींच रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या योगा करें कि हम उस खिंचाव से तुरंत मुक्ति पा सकें। मित्रों, एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समर्पित करने वाला हूं। बहुत ही प्यारा योगा, एक योगिक प्रैक्टिस जिसकी सहायता से आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। मित्रों, होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जब हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसफुली सोच रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में जो फ्लूड का सर्कुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। उस तेज़ी से बढ़ते हुए फ्लूड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन के ये वाली जो नसेस होती है, ये नसेस खिंचाव में आ जाती है और दिमाग ऐसे हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको रिलैक्स करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्रेथ का बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ब्रेथ का यूज कैसे करना है, मान लो जैसे ही आपकी नसें खींची हुई है, आप क्या कीजिए, आप अपने जो ब्रेथ इन ले रहे हो और आउट जो कर रहे हो, सांस जब अंदर ले रहे हो और बाहर कर रहे हो, तो बाहर जाने वाली सांस पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जो भी सांस बाहर जा रही है उसको थोड़ा सा फोर्सफुली बाहर की तरफ भेजिए, ऐसे। जो अंदर जा रही है सांस उसको तो वैसा ही रखिए, लेकिन जो बाहर जा रही है सांस उसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट कीजिए, ऐसे। तो अंदर जाने वाली सांस को तो सामान्य रखिए, लेकिन जो सांस बाहर जा रही है उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट कीजिए। जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे, आप देखेंगे आपकी मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स होने लग गई है। ऐसा आपको 50 बार 60 बार करना है। काउंटिंग कीजिए ऐसे, 1 2 3 4, इस तरह से। जैसे ही आप 50-60 बार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो मसल्स है जो खींच गई है किसी तनाव की वजह से, टेंशन की वजह से, वर्कलोड की वजह से, स्टडी की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, आप पाएंगे कि वो धीरे धीरे यहाँ से रिलैक्स होने लग गई है। तो बहुत ही प्यारा टूल है, बहुत ही प्यारा टेक्निक है, इसे आप यूज़ करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना कि आपको क्या प्रभाव पड़ा इस चीज़ का, कितना आपको फ़ायदा मिला। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।